अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देखा, यूट्यूब के सब्सक्राइब कैसे हाइड करें, तो आज का हमारा टॉपिक यही है, यूट्यूब के सब्सक्राइब कैसे हाइड करें। सब्सक्राइब हाइड करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इनमें से एक तो ये है कि आप में बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपनी वीडियो बनाते हैं और बहुत अच्छी भी होती है और देखते भी हैं लोग, देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते क्योंकि आपके सब्सक्राइब उन्हें शो हो रहे होते हैं, आपके सब्सक्राइब कम होते हैं, 100 होता है, 500 होता है, भी वो नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते कि पता नहीं ये कब छोड़ जाए, काम करेगा आगे या नहीं करेगा। तो यही तरीका, बेहतरीन तरीका है कि सब्सक्राइब अपने हाइड करें, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि आपके सब्सक्राइब कितने हैं और कितने नहीं। तो यही हमारा आज का टॉपिक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल क्रोम को ओपन करना है। तो गूगल क्रोम को ओपन करते हैं। जैसा कि मैंने गूगल क्रोम ओपन कर लिया है, गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, ये जो आपको साइड पर तीन डॉट नज़र आ रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये तीन डॉट नज़र आ रहे हैं आपको, या नुक्ते इसे कह लें या डॉट कह लें, ये नज़र आ रहे हैं। अगर किसी के नहीं आ रहा तो रेड कलर का एरो का निशान आ रहा होगा, तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो हमारे सामने ये पेज ओपन हो गया। हमने क्या करना है, डिस्कटॉप साइट पे क्लिक कर देना है, यहाँ हमने मार्क लगा देना है। जैसे ही हमने यहाँ पर मार्क लगा के दिखाता हूँ, यहाँ पर हमने मार्क लगा दिया। मार्क लगाने के बाद आपने क्या करना है, यूट्यूब अपना ओपन कर लेना है। ये जो आपको यूट्यूब का आइकन नज़र आ रहा है, ये वाला, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज लेकर ओपन हो गया, जैसा कि हम लैपटॉप में या कंप्यूटर में यूट्यूब ओपन करते हैं, उसी तरह का सेम ये हमारे सामने लेकर आ गया। हम इसको अपनी दो उंगलियों की मदद से जूम भी कर सकते हैं। ये देखें, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये हमने जूम भी किया, ये हम जूम भी कर सकते हैं। हमने क्या करना है, सिंपल, ये जो हमारे यूट्यूब चैनल का लोगो नज़र आ रहा है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, आपको साफ नज़र आ जाए। ये जो हमको आ रहा है, मैं आपको दिखा, ये देखें, ये जो हमारे चैनल का लोगो नज़र आ रहा है। अगर आपका यहाँ पर लोगो नज़र नहीं आ रहा तो आपका यहाँ पर साइन इन लिखा होगा, आपने यहाँ पर साइन इन कर लेना अपना यूट्यूब, यहाँ पर आपने साइन इन कर लेना अपना ईमेल लगा के, पासवर्ड लगा के यूट्यूब चैनल अपना साइन इन कर लेना है। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया, जैसे ही हमने यहाँ पर क्लिक किया तो हमारे सामने ये पेज ओपन हो गया। हमने यहाँ पर क्लिक करना है, यूट्यूब स्टूडियो पे क्लिक करना है। मैं आपको मार्क लगा के दिखाता हूँ, यूट्यूब स्टूडियो की तरह, ये देखें, थर्ड नंबर पे यूट्यूब स्टूडियो, यहाँ पर एरो का निशान जा रहा है, यहाँ पर हमने क्लिक करना है यूट्यूब स्टूडियो पे। यूट्यूब स्टूडियो पे हमने क्लिक किया, थोड़ी सी लोडिंग ले रहा, ये देखें, ये हमारे सामने हमारे यूट्यूब चैनल का डैशबोर्ड ओपन हो गया है। ये हमारे सामने हमारे यूट्यूब चैनल का डैशबोर्ड ओपन हो गया है। इतना सिंपल, यहाँ पर आपको नीचे, सबसे नीचे देखें, साइटिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर मैं आपको मार्क दिखा देता हूँ, ये देखें, ये वाला आपको सेटिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर कर लेना है, ऐसे ऊपर करके आपने यहाँ पर सेटिंग का जो आइकन है वो आपको शो होना शुरू हो जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको वाज़े नज़र आ सके। ये देखें, हमने यहाँ पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर सेटिंग के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही मैंने सेटिंग के बटन पर क्लिक किया तो हमारे सामने ये कुछ दूसरा पेज लेकर ओपन हो गया। हमने क्या करना है, सिंपल, जहाँ पर चैनल लिखा हुआ है वहाँ पर हमने क्लिक कर देना। मैं आपको दिखाता हूँ चैनल किधर लिखा हुआ, यहाँ पर दूसरे नंबर वाला चैनल का ऑप्शन है, यहाँ पर हमने क्लिक कर देना। चैनल के ऑप्शन पे जैसे ही हमने क्लिक किया
तो आप देख सकते हैं हमारे पास तीन ऑप्शन आ गए हैं। पहला तो है बेसिस इन्फॉर्मेशन, दूसरा है एडवांस सेटिंग। हमने दूसरे पे क्लिक करना है, एडवांस सेटिंग पे। ये देखें एडवांस सेटिंग यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आपको, यहाँ पर दूसरे नंबर वाला, यहाँ पर हमने एडवांस सेटिंग पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैंने एडवांस सेटिंग पे क्लिक किया तो हमारे सामने ये पेज ओपन हो गया। आपने क्या करना है, नीचे चले जाना है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर नीचे नीचे आ जाना। यहाँ पर जो आपको सब्सक्राइब कनेक्ट नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना, सब्सक्राइब काउंट सॉरी, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना। मैं आपको दिखाता हूँ किधर है, ये देखें ये वाला सब्सक्राइब काउंट, यहाँ पर आपका मार्क लगा होगा। अगर आप हाइड करना चाहते हैं जैसा ऐसे आपका मार्क लगा होगा, ये देख सकते हैं आप जब पहली दफ़ा ओपन करेंगे तो आपका मार्क लगा होगा। आपने क्या करना है, इस मार्क को हटा देना है, यहाँ से हटा दिया। और यहाँ पर नीचे आपको सेव का बटन, मैं दिखाता हूँ जूम करके, ये देखें सेव का बटन नीचे, ये सेव का बटन जो है साइड पर आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा इसको वाजे कर देते हैं। यहाँ पर सेव का बटन आपका अनेबल हो जाएगा। मेरा तो इस वक्त अनेबल नहीं हुआ क्योंकि मैंने कोई सेटिंग नहीं की, मैंने पहले से ही हाइड किए हुए अपने। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर आप जैसे ही सेव का बटन क्लिक करेंगे तो आपके जो सेटिंग है वो सेव हो जाएगी। तो यहाँ पर सेव हो गई तो हमारे YouTube चैनल थोड़ी देर तक, जैसे कि 2-3 मिनट बाद जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो नज़र आना बंद हो जाएंगे। कोई भी हमारे चैनल को सर्च मारे और हमारे वीडियो देखे, चैनल से का विज़िट करे, उसको हमारे सब्सक्राइबर नज़र नहीं आएंगे। तो आज की वीडियो हमारी ये थी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।